हेलो व्यूवर्स, एनीस किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जिसको आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। जी हाँ, ये है गाजर आलू का चाट, जिसको मैंने बिना चाट मसाले के बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये रेसिपी मैंने बिना चाट मसाले की कैसे बनाई। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गाजर और 250 ग्राम ही उबले हुए आलू लिए हैं। आलू मैंने छील के रखे हैं और गाजर भी मैंने छील के साफ करके धोकर अच्छी तरह से रखे हैं। अब हम इन दोनों के बड़े बड़े टुकड़े करेंगे। हमारे आलू कट चुके हैं। मैंने एक आलू के 12 पीसेस किए हैं। आप आलू के साइज के अकॉर्डिंग 8 से 12 पीस कर सकते हैं, लेकिन साइज हमने बड़ा ही रखना है। गाजर हमारे कट चुके हैं। गाजर का साइज भी हम आलू की तरह बड़ा ही रखेंगे। यहाँ पर गाजर के पीस बड़े रखने का ये फायदा होता है कि चाट बनाने के बाद इसमें क्रंच काफी देर तक रहता है और इसको खाना भी आसान होता है। चॉपिंग का काम खत्म हो गया है, तो आइए अब हम गाजरों को एक बड़े बोल में शिफ्ट करते हैं और चॉपर को एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने एक टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। तेल काफी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए गाजर, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि गाजर का पानी निकल जाए, और डालेंगे दो चुटकी हल्दी, जिससे इसमें बहुत अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गाजर हमने पूरी तरह से नहीं पकाना है, बल्कि इसको क्रंची ही रखना है। इस दौरान आंच लो पर थी। अब हमने ढककर 30 सेकंड्स तक पकाना है मध्यम आंच पर। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं। गाजर में अभी थोड़ा सा पानी रह गया है, तो अब हम आंच को फुल पर कर देंगे। इसको बराबर चलाते हुए लगभग 30 से 40 सेकंड तक पकाएंगे, ताकि गाजर का पानी पूरा सूख जाए और गाजर का क्रंच भी बना रहे। 40 सेकंड तक मैंने गाजरों को बराबर हिलाते हुए पका लिया है और गाजर का पानी भी सूख गया है। और अब हम इसमें डालते हैं अपने कटे हुए आलू। आलूओं को बॉईल करते समय मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, जिससे इसमें टेस्ट आ जाए। अब ये हो चुका है। चलिए अब इसको हम ढक्कन लगाकर रख देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको 30 सेकंड्स तक रहने देंगे। 30 सेकंड्स हो चुके हैं। हमारे आलूओं में भी बहुत अच्छे से नमी आ चुकी है, तो अब इसको हम दूसरे बोल में शिफ्ट कर देते हैं पूरी तरह से ठंडा करने के लिए। अब बारी है स्पेशल चाट मसाला बनाने की। यहाँ पर मैंने एक पैन गरम किया है और इसमें 15 बादाम डाले हैं। और अब ये बादाम हम 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। याद रहे कि बादाम हमने बराबर चलाते हुए ही रोस्ट करना है। अब उसी पैन में हम एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 20 से 30 सेकंड तक बहुत धीमी आंच पर भूनेंगे। धनिया हमने बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इसका कलर चेंज हो जाए और इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो हमने गैस बंद कर देना है और इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। पैन मैंने फिर से गरम किया है, काफी गरम हो चुका है और फ्लेम भी फुल पर है। तो अब हम लगभग 1 टेबलस्पून तिल के दाने इसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, तिल चटकने लगे हैं। पैन काफी गर्म है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है और बंद करके ही इसको हम इसी तरह से भूनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो तिल कड़वे हो जाएंगे। बस हम इसको भी पलट लेंगे। भुने हुए बादाम और भुने हुए धनिये के साथ हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसको अब हम पाउडर कर लेते हैं। एकदम महीन पाउडर करना है हमने। मसाला बिल्कुल तैयार है।
चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारे गाजर और आलू पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ मसाला। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। गाजर और आलू में पहले से ही ऑयल लगा हुआ है, इसलिए ये मसाला इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े नींबू का रस। बहुत ही रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही है और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आने लगा है, तो चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ज़रा नमक टेस्ट कर लेती हूँ। नमक थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा नमक और डाल देते हैं और फिर से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी अपना फेवरेट हरा धनिया, इसको भी मिला लेंगे। और सबसे लास्ट में डालेंगे भुने हुए तिल। आहा हा हा, देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तिल डाल के फिर से अच्छी तरह से मिला लेते हैं। स्वादिष्ट और चटपटा हमारा गाजर और आलू का चाट बनकर तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले खटास और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। स्वाद, सेहत और फ्लेवर से भरपूर हमारी चटपटी चाट बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये चाट आप सर्दियों में 4 से 5 दिन तक और गर्मियों में 2 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को ख़त्म करते हैं हरे धनिए और तिल की गार्निशिंग के साथ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।